Okay, good afternoon to all the students. Now, today we will discuss about the newborn assessment. Okay, newborn assessment. So, first we should know what is the newborn baby. Okay, neonatal period, that is start from the birth to 28 days of life. जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो क्या होता है कि फ्रॉम बर्थ टू 28 डेज ऑफ लाइफ उसको हम क्या बोलते हैं न्यूनेटल पीरियड बोलते हैं और इसको हम नॉर्मली जो न्यूनेटल पीरियड होता है वी विल डिवाइड इनटू टू पार्ट फर्स्ट वन है अर्ली न्यूनेटल पीरियड एंड सेकेंड वन इज़ द लेट न्यूनेटल पीरियड तो जो अर्ली न्यूनेटल पीरियड होता है हम उसको बोलते हैं फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ उसको हम बोलते हैं अर्ली न्यूनेटल पीरियड और जो लेट न्यूनेटल पीरियड होता है दैट इज़ द 7 to 28 डेज ऑफ एज तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा जो न्यूनेटल पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं फ्रॉम बर्थ टू 28 डेज ऑफ लाइफ और इसको हमने डिवाइड किया है टू पार्ट में एक होता है अर्ली न्यूनेटल पीरियड और सेकेंड वन होता है लेट न्यूनेटल पीरियड तो जो अर्ली न्यूनेटल पीरियड होता है वो फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ बच्चे की जो फर्स्ट वीक की लाइफ होती है हम उसको बोलते हैं अर्ली न्यूनेटल पीरियड और जो लेट न्यूनेटल पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं फ्रॉम 7 to 28 डेज ऑफ लाइफ अब क्या है सेकेंड थिंग्स जो हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी जो बॉर्न होते हैं एट टर्म तो हम टर्म बेबी किसको बोलते हैं फर्स्ट वन दे बॉर्न बिटवीन द 38 to 40 वीक्स ऑफ गेस्टेशन मीन्स कि वो क्या होता है 38 to 40 वीक्स में बॉर्न होते हैं दे ऑल्सो क्राइज इमिडिएटली आफ्टर बर्थ and they also establish independent rhythmic respiration and quickly adopt extra uterine environment और जो उनका बर्थ वेट होता है दैट शुड बी एवरेज बर्थ वेट जिसको हम बोलते हैं 2.5 to 3.9 kg और बर्थ के टाइम में कोई कंजेनाइटल एनामली नहीं होना चाहिए अगर ये सारी चीज़ें प्रजेंट होती तब हम उसको बेबी को बोलते हैं दैट बेबी इज हेल्दी न्यू बॉर्न बेबी सेकेंड थिंग्स असेसमेंट ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी ओके असेसमेंट ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी जैसे बेबी बॉर्न होता है तो एज सुन एज पॉसिबल हमें क्या करना है बेबी का असेसमेंट करना है और दिस इज द ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स दैट इज वर्किंग इन द हॉस्पिटल या कम्युनिटी ओके अब असेसमेंट में क्या होता है असेसमेंट शुड इंक्लूड डिटेल हिस्ट्री ऑफ द प्रीनेटल इंट्रानेटल एंड जेनेटिक हिस्ट्री ऑफ द फैमिली और इसके साथ क्या होता है हेड टू फुट एग्जामिनेशन होता है और मैटरनल इन्वेस्टिगेशन का भी हम क्या करते रिव्यू करते असिसमेंट के टाइम पे सेकेंड थिंग्स अब क्या है वट इज़ द पर्पज ऑफ इनिशियल असिसमेंट फर्स्ट वन टू असर्टेन द गेस्टेशनल एज सबसे पहले असिसमेंट से हमें यह पता चलता है कि गेस्टेशनल एज क्या है सेकेंड थिंग्स हम ये भी फाइंड आउट करते हैं कि कोई कंजेनाइटल एनामली प्रेजेंट तो नहीं है थर्ड वन इट शुड बी डन एट द प्लेस ऑफ बर्थ ओके जहाँ पे बेबी का बर्थ हुआ है वहाँ पे ये क्या करना चाहिए हमें असिसमेंट करना चाहिए और असिसमेंट किसके द्वारा करना चाहिए दैट शुड बी डन बाई ट्रेन पर्सनल ओके और इमिडिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ द नियोनेट ओके अब क्या है कि असिसमेंट कितनी बार करना चाहिए असिसमेंट मिनली 3 times करना चाहिए फर्स्ट जो पोस्ट नेटल असिसमेंट होता है जैसे बेबी बॉर्न होता है बॉर्न होने के विदिन 24 hours के अंदर में हमें असिसमेंट करना चाहिए सेकेंड असिसमेंट विदिन 2 weeks ऑफ एज बेबी का 2 weeks का एज होता है उसके अंदर में हमें क्या करना चाहिए सेकेंड असिसमेंट करना चाहिए और जो थर्ड असिसमेंट होता है दैट शुड बी डन विदिन 4 to 6 weeks ऑफ एज ऑफ बेबी क्लियर तो कितना असिसमेंट होता है 3 असिसमेंट करना चाहिए फर्स्ट असिसमेंट शुड बी डन विद इन 24 hours ऑफ एज सेकेंड असिसमेंट विद इन 2 weeks ऑफ एज और थर्ड असिसमेंट शुड बी डन विद इन 4 to 6 weeks ऑफ एज होम डिलीवरी में फर्स्ट पोस्ट नेटल असिसमेंट क्या करना चाहिए विद इन 3 days ओके एंड अदर्स आर सेम एज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ओके गाइस ओके फर्स्ट वन इनिशियल असिसमेंट दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी और इमिडिएटली हमें बेबी के बर्थ के बाद करना चाहिए और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट असिसमेंट होता है ओके दैट इज़ द फर्स्ट क्राई ओके और आई थिंक ऑलरेडी मैंने सेकेंड ईयर में आपको बताया था कि फर्स्ट क्राई क्यों इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट क्राई से बेबी का रेस्पिरेटरी फंक्शन क्या होता है एस्टेब्लिश होता है
तो गुड क्राई क्या करता है, हमें ये हेल्प करता है बच्चे को सेटिस्फैक्ट्री ब्रीदिंग के लिए। सेकेंड वंस रेस्पिरेशन, हार्ट रेट और स्किन कलर भी क्या होता है, बेसिक क्राइटेरिया होता है जिसको हमें इवेलुएट करना चाहिए। ओके, और इसके अकॉर्डिंग हमें बेबी का लाइफ सेविंग सपोर्ट की नीड हमें पता चलती है। अनदर सिग्निफिकेंट असिसमेंट होता है, दैट इज द अपगार स्कोरिंग। और अपगार स्कोरिंग किसके द्वारा दिया गया था, डिस्क्राइब किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर वर्जीनिया अपगार के द्वारा किया हुआ था, ये अपगार स्कोरिंग किया गया था। ओके, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट द अपगार स्कोरिंग, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वन टॉपिक ऑफ जेएनएम थर्ड ईयर इन ओबीजी। ओके, तो फर्स्ट हम रिव्यू करते हैं व्हाट इज द अपगार स्कोरिंग। अपगार स्कोरिंग में मेनली हम क्या करते हैं, ओके सॉरी बी हियर बी दैट इज द पी, ओके बाय मिस्टेक यहाँ पे बी आ गया है। तो फर्स्ट वन ए स्टैंड फॉर द अपीयरेंस, बी पी स्टैंड फॉर द पल्सेज, जी स्टैंड फॉर द ग्रीमेस, ए स्टैंड फॉर द एक्टिविटी एंड आर स्टैंड फॉर द रिफ्लेक्सेस। ओके, रेस्पिरेशन। ओके, मेनली इसमें क्या होता है कि टोटल स्कोर होते हैं इसके 10 स्कोर होते हैं। ओके, इसके टोटल स्कोर क्या, अब चलो यहाँ पे एक बार और डिस्कस करते हैं। आर में भी क्या है, रेस्पिरेशन में 3 क्राइटेरिया, अगर एबसेंट होगा रेस्पिरेशन तो हम इसको 0 देंगे, अगर स्लो और इरेगुलर होगा तो हम इसमें 1 मार्क देंगे, अगर गुड क्राई होगा तो हम इसको 2 मार्क्स देंगे। सेकेंड थिंग्स, हार्ट रेट में अगर हार्ट रेट एबसेंट है तो हम इसमें 0 मार्क्स देंगे, अगर हार्ट रेट बिलो 100 है तो हम इसमें 1 मार्क्स देंगे बच्चे को, और मोर देन 100 है तो 2 मार्क्स। मसल स्टोन में अगर फ्लैसिड है, ओके बिल्कुल मींस कि फ्लैसिड मींस होता कोई एक्टिविटी नहीं है, तब हम क्या करेंगे 0 मार्क्स देंगे। एक्सट्रीमिटीज में सम फ्लैक्शन है तब हम यहाँ पे 1 मार्क्स करेंगे, और सम ए बॉडी एक्टिविटी मूवमेंट्स, अगर बॉडी एक्टिविटी मूवमेंट्स कर रहा है तब हम क्या करेंगे 2 मार्क्स देंगे। रिफ्लेक्सेस में अगर रिफ्लेक्सेस नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो 0, ग्रीमेस है तो 1, अगर क्राई कर रहा है तो 2। स्किन कलर में अगर स्किन कलर ब्लू और पेल है देन वी विल गिव 0 मार्क्स। बॉडी पिंक और एक्सट्रीमिटीज ब्लू है जिसको हम बोलते हैं एक्रोसाइनोसिस, तो इसमें 1 मार्क्स देंगे, और कम्प्लीटली पिंक है तो वी विल गिव 2 मार्क्स। तो ये टोटल कितने हो गए, 5 क्राइटेरिया हो गए, और 5 × 2 दैट इज द टोटल मार्क्स, दैट विल बी 10 मार्क्स। इसमें भी 3 क्राइटेरिया, फर्स्ट वन नो डिप्रेशन, अगर मार्क्स 7 to 10 के बीच में आ रहा है तो कोई डिप्रेशन नहीं है, अगर माइल्ड डिप्रेशन है इट मीन्स कब हम कहेंगे जब मार्क्स 4 to 6 के बीच में आ रहा, और सीवियर डिप्रेशन हम कब कहेंगे जब मार्क्स 0 to 3 के बीच में आ रहा है। ओके, जब भी हम करते हैं असिसमेंट करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, रूम का टेम्परेचर चेक करना चाहिए, रूम प्रॉपर वार्म है कि नहीं है, गुड लाइट है कि नहीं है, वहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं है, सेफ्टी मेजर्स फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, इसलिए हम करेंगे क्योंकि हम बच्चों को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमें कंफर्टेबल वार्म रूम होना चाहिए, गुड लाइट होना चाहिए, और सेफ्टी मेजर्स शुड बी ऑल्सो फॉलोड स्पेशली प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। ओके, और इन्फॉर्मेशन जो भी होता है दैट शुड बी रिकॉर्डेड इमिडिएटली, अगर पॉसिबल है तो मदर को भी हम क्या करेंगे बेबी के साथ स्टे करने के लिए बोलेंगे ताकि उनका बॉन्डिंग प्रोसेस प्रमोट होना शुरू हो जाए। ओके, नेक्स्ट वन असिसमेंट ऑफ गेस्टेशनल, ओके दैट इज द असिसमेंट एट बर्थ, अगर टर्म बेबी है तो सबसे पहले फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेकेंड वन टर्म बेबी है, हेयर टेक्सचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन स्काल्प है तो उसमें क्या होगा, सिल्की ब्लैक कोर्स एंड इंडिविजुअल स्ट्रैंड्स होगा, स्किन टेक्सचर एंड ओपेसिटी यहाँ पे पिंक होगा, लार्ज होगा, पिंक होगा, स्कैनिटी लैनुगो हेयर होगा, और ओनली लार्ज वेंस होगा वो दिखाई देगा, और गुड इलास्टिसिटी एंड टर्गर प्रेजेंट होगा। थर्ड वन है कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रेस्ट नोड्यूल्स एंड निप्पल फॉर्मेशन, मोर देन 10 mm डायमीटर का ब्रेस्ट टिश्यू होगा, और निप्पल्स क्या होगा, रेज्ड अबव द स्किन लेवल। थर्ड वन है ईयर कार्टिलेज, पीना इज फॉर्म विथ डेफिनेट कार्टिलेज एंड इंस्टेंट रिक्वाइल, आई थिंक रिक्वाइल मैंने आप लोगों को एक बार बताया था रिक्वाइल क्या होता है,
तो सबको पता कि मीन्स कि बच्चे का जब हम ईयर खाटी ले जाए ऐसे पकड़ते फिर छोड़ते हैं तो इमिडिएटली अपने नॉर्मल पोजीशन पे जाना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड प्लांटर क्रीसिस। प्लांटर क्रीसिस में क्या होता है, एंटायर सोल क्या कवर्ड विद अ डीप क्रीसिस। जेनिटेलिया मेल में होगा तो एटलीस्ट वन टेस्टिस डिसेंड होगा इन द स्क्रोटम और प्रोमिनेंट रग होगा एंड डीप पिगमेंटेशन होगा बच्चे के स्क्रोटम के अंदर स्क्रोटम पे। जेनिटेलिया फीमेल होगी तो लेविया माइजोरा कम्प्लीटली कवर्ड होगा ओके और लेविया माइनोरा कवर्ड द लेविया माइनोरा एंड क्लाइटोरिस। नेक्स्ट वन न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस। हमें न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस से हमें ये पता चलता है कि बच्चे का प्रॉपर नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जब हम न्यूनेटल असिसमेंट करते हैं तो न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस भी चेक करते प्रेजेंट है कि नहीं है। फिलहाल हम अब इसी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज जन्म सेकेंड ईयर में आप लोग को डीपली पढ़ाया गया तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्ट गो थ्रू द न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस। वाइटल स्टैटिक्स देखेंगे स्पेशली इसमें एंथ्रोपोमेट्री असिसमेंट देखेंगे जिसमें बच्चे का वेट होता है दैट शुड बी 2.9 to 3 kg होना चाहिए बट अभी क्या है 2.5 to 3.9 kg तक नॉर्मल वेट कंसिडर किया गया है। लेंथ होता है दैट शुड बी 50 cm बट लेंथ के लिए हम क्या कर सकते हैं ये सब में नहीं होता है दिस इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द जेनेटिक। अगर फैमिली अगर पेरेंट्स की हाइट बहुत कम है तो बच्चे की भी हाइट कम हो सकती है अगर फैमिली की बच्चे पेरेंट्स की हाइट ज़्यादा है तो बच्चे की हाइट भी थोड़ा 50 cm से अबव हो सकता है। हेड सरकमफेरेंस ओके दैट शुड बी 33 to 35 cm होना चाहिए ओके। हेड सरकमफेरेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें इससे ये पता चलता है कि बच्चे को अगर इंक्रीज हो रहा है ज़्यादा तो इट मीन्स बच्चे को हाइड्रोसीफेलस है। सेकेंड वन चेस्ट सरकमफेरेंस देखते हैं दैट विल बी 31 to 35 cm होना चाहिए और ये क्या होता है दैट शुड बी 2 cm लेस देन हेड सरकमफेरेंस। एब्डोमिनल सरकमफेरेंस होता है 31 to 33 cm होता है। वाइटल स्टैटिस्टिक्स में टेम्परेचर ओके दैट विल बी 36.5 to 37.2 degrees Celsius। पल्स में 180 beats per minute, रेस्पिरेशन में 80 breaths per minute और ब्लड प्रेशर में 80 to 46 mmHg होता है। ओके गाइस तो दिस इज ऑल अबाउट द असिसमेंट ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी ओके। तो आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को डाउट है तो दे कैन आस्क मी।